आपको याद होगा हम लोग हमारे जू के अंदर एक वुल्फ को लेके आए थे जो कि यहाँ पे पॉटी कर रहा है। आई गो अबे साले एनीवेज ये हमारा एनिमल है अभी इसने यहाँ पे पॉटी करी तो ये वाला एनिमल हम लास्ट एपिसोड में लेके आए थे। इसको भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन का इशू है। न्यूट्रिशन में इसने लास्ट ड्रिंक वॉज डर्टी ओ डर्टी ड्रिंक एक सेकेंड यहाँ पे पानी खराब है मुझे यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा तो एक काम करते हैं एक सेकेंड आई थिंक मैंने यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गाइस लगाया नहीं है दैट्स वाई पानी डर्टी है। ओ भाई 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 ये आ गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डोंट वरी जल्दी से मैं यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देता हूँ टेंशन ना ले तू। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर यहाँ पे लगाया तो उसके यार नेगेटिव इफेक्ट यार इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और देखो वह पानी क्लीन हो जाएगा। और अभी इसका मुझे यहाँ से एक पैथ बनाना पड़ेगा ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ओके मैंने यहाँ पे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पैथ कनेक्ट कर दिया है तो अभी यहाँ का जो पानी है हमारे वुल्फ का वो फिल्टर किया जाएगा। अभी देखते हैं फिल्टर हो रहा है ना पानी। अभी देखो ये पूरा एरिया ग्रीन हो गया इसका मतलब इधर का पानी फिल्टर हो रहा है। एंड वैसे मुझे फिल्टर से याद आया आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में काफ़ी सारे पेंगुइन्स यहाँ पे बीमार हो गए थे तो मैंने ऑफलाइन गेम को काफ़ी देर तक खेला और जितने भी बीमार पेंगुइन्स थे मैंने उनको ठीक किया एक एक करके मैंने उनको यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में भेजा फिर वो वापस आ गए और उनको मैंने रिलीज्ड वायल किया और उनको रिलीज्ड वायल करने से लगभग आई थिंक मैंने 120 पेंगुइन्स को रिलीज्ड वायल किया और उसकी वजह से मेरे पास अभी 3000 कंजर्वेशन क्रेडिट्स है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी पेंगुइन बीमार नहीं है एंड लास्ट टाइम यहाँ पे काफ़ी सारी वार्निंग आ रही थी लगभग 180 160 120 वो सारी वार्निंग चली गई है तो अभी हमारे जू में कोई भी एनिमल बीमार नहीं है एवरी एनिमल इज ओके किसी भी एनिमल को भी कोई भी बीमारी नहीं है। सो अभी से मैं क्या करूँगा कि जब भी कोई एनिमल बीमार होगा उसको हम क्वारंटीन सेंटर में ही भेजेंगे और अभी ये बाकी के जो पेंगुइन्स है वो काफ़ी ठीक है बट फिर भी इनकी पॉपुलेशन मतलब बढ़ रही है तो मैं थोड़े से पेंगुइन्स को और रिलीज वाइल करता हूँ थोड़े से और कंजर्वेशन क्रेडिट्स आएंगे। रिलीज वाइल कर दिया 320 क्रेडिट्स आ गए वेरी नाइस। एंड गेमर्स एक और चीज़ हुई है इस गेम के थोड़े से अपडेट्स रिलीज हुए हैं और उन अपडेट्स में हम अभी यहाँ पे हमारे स्टाफ का यूनिफॉर्म वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं तो ये वेट का यूनिफॉर्म कौन सा रहेगा ये हम यहाँ पे मतलब उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं तो वेट का ऐसा ब्लू रहेगा यहाँ पे हम ऐसा कलर को भी नाम वगैरह दे सकते हैं और हम खुद से भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वेट का अगर ग्रीन किया तो ग्रीन आई थिंक वेट के सारे कपड़े ग्रीन हो जाएंगे। अभी वेट किधर है हाँ हो गया ओके देखो ये ग्रीन कलर के बूट्स आ गए ओके मतलब बस उनका यूनिफॉर्म मतलब बूट्स वगैरह जो टूल्स होते हैं आई थिंक वो चेंज हो जाते हैं। अब एक काम करते हैं गेम का स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे गेम में सुबह हो जाए और सुबह वैसे जल्दी हो जाएगी। एंड आज के एपिसोड में हम लेके आने वाले हमारे जू में टर्टल्स को आपने काफ़ी सारे डिमांड करी थी कि भाई टर्टल्स को लेके आ जू में टर्टल्स को लेके आ तो टर्टल्स होते क्या जू में टर्टल यहाँ पे तो टर्टल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी ये रहे टर्टल व्हाट ओके टॉर्टोइज होता है क्या ओके टॉर्टोइज होता है भाई मैं टर्टल सर्च कर रहा हूँ टॉर्टोइज होता है गाइस टॉर्टोइज होता है हमारे पास टॉर्टोइज है तभी मैं सोचूं मेरे पास सारे डीएलसीज का एक्सेस है फिर मेरे को टॉर्टोइज क्यों नहीं मिल रहा। तो अभी यहाँ से कौन सा टॉर्टोइज लेके आए ये वाला अलबाड्रा टॉर्टोइज इनमें से मेरे को अच्छी क्वालिटी का चाहिए भैया सारे टॉर्टोइज 10,000 क्रेडिट्स में मिल रहे हैं आर यू सीरियस। फिर दूसरे जाति के देखते हैं दूसरे प्रजाति के ये वाला टॉर्टोइज हाँ ये वाला मिल रहा है 500 में मिल रहा है इसको अडॉप्ट करते हैं फिर अडॉप्ट ये क्या है फीमेल है और एक मेरे को मेल भी चाहिए होगा यार इतने महंगे होते हैं ये 10,000 क्रेडिट्स चाहिए ओ भाई दिस इज़ सो एक्सपेंसिव 10,000 तो मेरे पास क्रेडिट्स नहीं है बट एनीवेज हमने एटलीस्ट एक टॉर्टोइज को अडॉप्ट कर लिया है गेम को ऑन करते हैं सुबह होने ही वाली है और अभी मेरे पास टॉर्टोइज का भी काफ़ी यहाँ पे प्यारा सा हैबिटेट है तो यहाँ पे सर्च करते हैं टॉर्टोइज का हैबिटेट वाओ ये वाला हैबिटेट यार वाओ काफ़ी बड़ा है और एक टर्टल के शेप का ही है बट इसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए $1,45,000 चाहिए बट उतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं तो मुझे कोई बेसिक सा ही बनाना पड़ेगा मेरे पास आई थिंक एक और होगा ये भी एक है ये तो भाई काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा है बन जा भाई बन गया टॉर्टोइज का गाइस हैबिटेट बन चुका है और काफ़ी प्यारा सा और छोटा सा है और क्यूट सा भी है वाओ एक बार सिनेमैटिक व्यू में देखो नाइस इट्स लुकिंग सो गुड काफ़ी प्यारा सा टॉर्टोइज का हैबिटेट बन चुका है तो या इसी जगह पे बनाते फिर देखते हैं यहाँ पे वैसे अभी हमारे पास एक ही टॉर्टोइज है तो ये वाला जो हैबिटेट है इसका पैथ में हमारे स्टाफ से कनेक्ट कर दिया तो जैसे हमारे कंगारू के जस्ट साइड में बनेगा और अभी मैं इसको जल्दी से थीम के अंदर ऐड कर देता हूँ हमारे वर्क जोन के अंदर तो ये हम ऐड करेंगे हमारे इंडियन वर्क जोन के अंदर जस्ट लाइक दिस ये यहाँ पे ऐड कर देते
और इधर का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, मैं भूल गया था उसको ऐड करना। और यहाँ पे भी एक टीवी है आई थिंक, इसको भी ऐड कर देते हैं। सेंट टू जू हो जा भाई, सेंट टू जू। अब यार ये गेम कभी कभी ना लैग हो जाता है बीच में। हाँ ये सेंट टू जू हो गया और यहाँ पे इसकी डिलीवरी शेड्यूल हो चुकी है। तो भी यहाँ पे टर्टल का जल्दी से स्वागत करते हैं, काफ़ी प्यारा सा क्यूट सा हैबिटेट है। गेम का स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हमारा स्टाफ जल्दी से हमारे टॉर्टोइस को लेके आ सके। आ रहा है क्या टर्टल भैया जी अपने जू में आ गए जी। कितना ओ काफ़ी छोटा सा ही है, तो या इतना हैबिटेट इसके लिए बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मुझे लगा ये काफ़ी बड़ा होगा, तो या इतना हैबिटेट में भी काफ़ी इनफ है यार इतने छोटे एनिमल के लिए। तो यहाँ पे टर्टल का हैबिटेट बन चुका है और ये बहुत स्लो एनिमल होता है। ओ भाई कितना क्यूट है, और ये काफ़ी सालों तक जीते हैं ना, आई मीन 200-300 साल तक इनका होता है, मतलब ये जीते हैं। इसकी उम्र अभी 22 साल की है। एक बार इसका जूपीडिया देखते हैं ये कितने साल तक जीता वगैरह है। इसकी औसतन उम्र यहाँ पे इसको वैसे 44-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो तो चलेगा। इसकी उम्र कितनी, ओह 100 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भाई साहब, तो काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टर्टल आ चुका है, देखो कितना क्यूट है यार, काफ़ी छोटा सा है। तो अभी यहाँ पे मुझे लोगों का भी सिस्टम करना पड़ेगा, लोग यहाँ पे वो यहीं से देखेंगे। हाँ ये जो ब्रिज है यहाँ से वुल्फ के लिए जाता है, वहीं से लोग टर्टल को देख पाएंगे, हमारे टोटी टोटी को। और अभी काम करता हूँ मैं, फिर इनको ना यहाँ से एक छोटा सा एक विविंग एरिया वगैरह बनाते हैं इन लोगों के लिए। सीढ़ियाँ बन के ये रोड ऐसा नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऐसा ऊपर होगा, और यहाँ से हम विविंग एरिया बना देंगे हमारे टर्टल के लिए, यहाँ से उसको लोग देख सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके गाइज, ये मैंने यहाँ पे पैद बना दिया, तो अभी टर्टल के चारों तरफ, उसके हैबिटेट के चारों तरफ ये रोड है, यहाँ से लोग आएंगे अभी देखने के लिए इसको। आ जाओ भाई नीचे, अभी यहाँ पे मैंने हैबिटेट बना दिया है। और वैसे भी अगर ये हैबिटेट है तो मुझे यहाँ पे थोड़े से पैसे कमाने पड़ेंगे गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड मनी। तो मनी के लिए हम यहाँ से ये वाला डोनेशन बॉक्स उठाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम सारे डोनेशन बॉक्सेस लगाएंगे। एक डोनेशन बॉक्स यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। चलो भाई हरी पत्ते डालो इसमें चिकनो, और एक यहाँ से भी लोगों ने आना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो बढ़िया रहेगा, और यहाँ से भी बढ़िया व्यू आएगा। और उसका जो खाने पाने का सिस्टम है ना, मैं थोड़ा सा ना ऐसी जगह पर करता हूँ जहाँ से लोग उसको देख सकते हैं। इसके अंदर पानी, ओ वेट, अभी तक मैंने इसके अंदर पानी डाला नहीं है गाइस, एक सेकेंड, मुझे सबसे पहले इसके अंदर पानी डालने दो। ये मैंने यहाँ पे भी पानी भी ऐड कर दिया है, ये पानी में से फिल्टर तो होगा ना, नहीं ये पानी फिल्टर नहीं होगा। अरे यार वाई यार, ये हर बार मेरे को एक एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा लगाना पड़ेगा, तो भाई कैसे चलेगा। तो ठीक है, अभी मेरे को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यार गैस के ऊपर यार निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका, दैट से मेरे को ये चीज़ लगाना अच्छा नहीं लगता, बट लगाना तो पड़ेगा। यहाँ पे अगर लगा दिया तो या यहाँ पे मैंने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, तो भी टर्टल का भी वाटर यहाँ से क्लीन किया जाएगा, बस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इट्स ऑल राइट। एंड नाउ अभी मुझे यहाँ पे टर्टल के लिए थोड़े से टीवीज वगैरह यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि गेस्ट को गेस्ट फैसिलिटीज़ में इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिनेमैटिक व्यू भी हम इनका ले सकते हैं, ये फर्स्ट पर्सन व्यू, ओ वेट हम इनका फर्स्ट पर्सन व्यू भी ले सकते हैं, ये लोग क्या देख रहे हैं। और देखो उसको वहाँ से टर्टल दिखाई भी दे रहा है, वो मैं जूम भी कर सकता हूँ, दिस इज सो कूल, वाओ वेरी नाइस। तो अच्छी बात है ये लोग यहाँ पे से टर्टल को देख रहे हैं। और वैसे भी मुझे यहाँ पे थोड़े से टीवीज़ वगैरह लगाने हैं ताकि उन लोगों को एजुकेट किया जाए। तो ये आते हैं बोर्ड्स में, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक एनिमल टॉकेटिव पॉइंट लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम टर्टल का इन्फॉर्मेशन देंगे लोगों को। तो यहाँ पे मुझे एनिमल सेलेक्ट करना पड़ेगा, या जायंट टर्टल सेलेक्ट कर लिया, और अभी मुझे यहाँ पे इसको एक वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे स्पेसिफिक वर्क जोन से लोग आएंगे यहाँ पे और टर्टल की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसको मैं इंडियन वर्क जोन के अंदर, इंडियन वर्क जोन के अंदर ही ऐड कर देते जस्ट लाइक दिस। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उसके अंदर ऐड होगा और ये बोर्ड भी उसी के अंदर ऐड होगा, ताकि यहाँ पे एजुकेटर आके इनको एजुकेट कर सके। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन बोर्ड भी लगा दिया, अभी ये वर्क करना चाहिए। सीनरी रेटिंग, यहाँ पे सीनरी आई थिंक ये ठीक से सीन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ये सीनरी रेटिंग क्या होता है या अभी ओके मतलब अच्छा सा व्यू आना चाहिए, एक सेकेंड फिर अच्छा सा व्यू यहाँ से एकदम प्रॉपर व्यू आएगा। तो अभी कितना हो गया इसका, 37%, इट्स ओके, मतलब 40 हो गया अभी, ओके। तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से टर्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हमारे गेस्ट आके इनको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पानी के साइड में मुझे थोड़ा सा सैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनको सैंड पसंद होती है। ओके परफेक्ट, तो अभी इसका हैबिटेट एकदम पूरी तरीके से 100% एंगेजमेंट हो गया, एंड जस्ट लुक एट टर्टल, वो काफ़ी खुश लग रहा है, देखो हंस रहा है,
वही मैंने टर्टल को अस्त हुए पहली बार देखा है, और वहाँ से सूरज आई थिंक उग रहा है या डल रहा है, पता नहीं, आई थिंक उग रहा होगा। और यहाँ पे हमारा वेट भी आके इसको चेक कर रहा है, सो एवरीथिंग इज़ ओके। टर्टल का मैंने यहाँ पे हैबिटेट पूरी तरीके से एकदम प्यारा बना दिया है, बस यहाँ पे मुझे एक और टर्टल को लेके आना है, बट बहुत महंगा है यार, 10,000 credits। आर यू सीरियस? मेरे पास भाई बिल्कुल नहीं है उतने क्रेडिट्स, और ये बाकी के मिल रहे हैं बट इनका इम्यूनिटी ठीक नहीं है, फर्टिलिटी ठीक नहीं है, तो ये जल्दी बीमार वगैरह हो जाते हैं। तो बट इसके मेरे को एटलीस्ट इसके लिए तो एक चाहिए होगा ना, मतलब कंपनी के लिए, ये अकेला तो यहाँ पे रह नहीं पाएगा। और मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे और कोई भी नहीं। काम करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं, देखते अगर बीमार पड़ गया तो फिर हम करेंगे इसका कुछ, बट अभी के लिए इसको मैंने यहाँ पे डिलीवरी कर दिया है। तो भी यहाँ पे 2 turtles रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। वैसे लोग भी यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। हरी पत्ती डाल रहे हैं क्या? हरी पत्ती डाल रहे हैं, वेरी नाइस, अच्छी है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हरी पत्ती यहाँ पे डालो। एम्बिशन स्पीकर ये भी यहाँ पे लगा देते हैं ट्री के ऊपर वगैरह, ताकि यहाँ पे उन्हों म्यूज़िक सुनाया जा सके। म्यूज़िक इसके अंदर आई थी, मुझे खुद से सिलेक्ट करना होता है ना। या यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्रैकर्स। वो भी क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है सही में, वाओ, जंगल रेन आवाज़ तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, सो इट्स ओके। यहाँ पे मैंने ये थोड़े से स्पीकर्स वगैरह लगा दिया जो कि अच्छे होते हैं एनिमल्स के लिए। एजुकेशन स्टेशन साउंड बोर्ड, ये क्या होता है? ये नई चीज़ आई है भाई। ओ एक सेकेंड, हम यहाँ से, वाओ, मतलब अलग अलग एनिमल्स का आवाज़ आएगा, कैमल का, ओके ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे इमेज वगैरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। टर्टल का नहीं है क्या यहाँ पे? ओके भाई, ये काफ़ी सारी नई चीज़ें आई है, ये क्या चीज़ है फिर? एजुकेशन स्टेशन पावर पॉइंट, फिर ये भी लगा देते हैं, ये वाला पावर पॉइंट इधर लगा दे यहाँ पे। हाँ, एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा, हाँ वो मतलब उनके जो पाव होते हैं ना, आई मीन ये पंजे, उसका इन्फॉर्मेशन है। ओके, एनिमल डाइड, किसकी डेथ हो गई है? अरे एक पेंगू की डेथ हो गई, सोफी नाम था इसका, 24 की उम्र में, और देखो ये रो रहा है। अरे भाई आई एम सो सॉरी ब्रो, ये आई थिंक इसका कोई रिश्तेदार वगैरह था आई थिंक। और देखा अभी ना मतलब पेंगुइन्स की कुछ ज़्यादा ही उम्र बढ़ गई है, सो दैट्स मैं सोच रहा हूँ कौन पेंगुइन्स को ना, आई मीन कुछ पेंगुइन्स को यहाँ से रिलीज वाइल करते हैं, मरने से पहले अगर उनको रिलीज वाइल कर दिया तो हमारा फ़ायदा नहीं, तो यार बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट्स वाई जितने भी बड़े पेंगुइन्स हैं उनको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और रिलीज वाइल करते हैं। बाकी काफ़ी सारे इनके बच्चे, ओ बच्चे कुछ ज़्यादा ही है, रिलीज वाइल कुछ कंजर्वेशन क्रेडिट्स आ जाएंगे, 300 आ गए, लेट्स गो। और ये जो एनिमल की डेथ हो गई थी सोफी, इसको यहाँ पे मैं वेट को बुला देता हूँ, वेट आके इसको ऐसे श्रद्धांजलि आई मीन लेके चला जाएगा। और अभी मुझे यहाँ पे इसकी एक ग्रेव बनानी पड़ेगी, डोंट वरी, जल्दी से चलते हैं और सोफी की ग्रेव बनाते हैं। आज एक और एनिमल की डेथ होगी, वैसे यहाँ पे ये ग्रेव आएगी, इसको कॉपी करते हैं, उसके साइड में ये वाली ग्रेव रहेगी जस्ट लाइक दिस। इसको यहाँ से ऐसा नीचे लेके आते हैं, सोफी, तो यहाँ पे मुझे सोफी लिखना पड़ेगा, या सोफी, एक सेकेंड, कैपिटल में सोफी लिखना है, या सोफी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और आप भी इसके श्रद्धांजलि दे दो, मैं यहाँ पे फूल लगा देता हूँ थोड़े से। हैबिटेट वेब कैमरा, वेब कैमरा यहाँ पे पेड़ पे लगाते आई थिंक, फिर हाँ यहाँ पे लगाते पेड़ के ऊपर। ये मैंने वेब कैमरा यहाँ पे लगा दिया, बट उसको मैं कनेक्ट कैसे करूँगा टीवी से? आई थिंक मैंने उसको टीवी से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला टीवी बोर्ड किधर है, म्यूज़िक स्पीकर भी है यहाँ पे, वाह यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर म्यूज़िक स्पीकर इधर लगाते, इस म्यूज़िक स्पीकर के अंदर गाना लगा सकते हैं हम खुद से। ओके, म्यूज़िक, टॉल ग्रास, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। इंडियन प्लेलिस्ट, ओके इंडियन प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे आई थिंक इंडियन गाने बचेंगे, आई डोंट नो। ये मैंने कैमरा को भी सीधा कर दिया है, तो एंटर कैमरा व्यू, हाँ ये देखो ये वाला कैमरा का भी व्यू आ रहा है यहाँ से, ओ भाई लेट्स गो। तो हम खुद से यहाँ से व्यू ले सकते हैं, ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन व्यू आ गया ये। तो मुझे इसको यार टीवी से कनेक्ट करना है, आई थिंक हम इसको टीवी से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हम ऐसे इस तरीके से यहाँ पे, ओके समझ गया मैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने यहाँ पे कैमरा लगा दिया, मतलब यार ये बढ़िया है, तो यहाँ पे हमारा कैमरा लग चुका है, तो ये टीवी के ऊपर हम कैमरा आई थिंक कनेक्ट नहीं कर सकते, इट्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम। तो ये टीवी के, फिर टीवी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टीवी की यहाँ पे फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड जो मैंने इंडियन म्यूज़िक सेलेक्ट करा था, ओ भाई बज रहा है इंडियन म्यूजिक,
तबला वगैरह बज रहा है भाई, दिस इज सो कूल। तो यार ये चीज़ ना मुझे करनी चाहिए यार, मतलब हर जगह पे करना चाहिए मुझे। तो एक काम करते हैं, ये स्पीकर्स ना मैं एक एक हैबिटेट में भी मैं लगाने की सोच रहा हूँ। अगर ये ऑस्ट्रेलियन हैबिटेट है, यहाँ पे भी एक स्पीकर फिर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अलग म्यूज़िक लगाएंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक होता है क्या? ये वाला ऑस्ट्रेलियन है वैसे, ग्रासलैंड या ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन थीम है यहाँ पे। ओके, फिर ऑस्ट्रेलियन मैंने गाइस यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर दिए, तो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक बचेगा क्योंकि ये कंगारूज ऑस्ट्रेलियन है और आई थिंक ये इनको फिर अच्छा लगेगा, है ना? मतलब अगर एनिमल्स भी म्यूज़िक सुनते हैं ना तो उनको बढ़िया लगता है। और देखो आई थिंक ये खुश हो गया पता नहीं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी ये स्पीकर भी लगा दिए और अभी हमारा हैबिटेट दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये रहा दूसरा टर्टल, तो अभी दो टर्टल्स गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, इनको थोड़ी सी भूख लगी है तो वेट खाना लेके आ गया क्या भाई? भाई वेट खाना लेके आ भाई, जल्दी से खाना डाल दिया क्या उसने? आई थिंक यही खाना है उनका, है ना? मे बी यही खाना है या इनके लिए कुछ अलग सा खाना होता है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, मैं किसी को बोलता हूँ इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए। अगर रिसर्च होगा तो हमको पता चलेगा इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो टर्टल के ऊपर अभी थोड़ा सा रिसर्च होगा, ये इंडियन एलिफेंट के ऊपर भी रिसर्च अभी तक हुआ नहीं है प्रॉपर, और वुल्फ के ऊपर भी हमको रिसर्च करना पड़ेगा, और ये बियर के ऊपर भी। तो अभी मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने को बोला है। और अभी इनका एनरिचमेंट देखते हैं, इनका फूड एनरिचमेंट में क्या होता है? ये फ्रूट स्पाइक, ओके। और ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ओ भाई इसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं जहाँ पे हमारा म्यूजिक बज रहा है ना वहाँ पे। भाई सही है, आई मीन भाई इनको फ्रूट यहाँ पे ऐसे मिलते हैं इसके ऊपर, अच्छी बात है। यहाँ पे दो तीन जगह पे फ्रूट स्पाइक्स है तो इनके यहाँ से खाना वगैरह मिलता रहेगा, डोंट वरी। और बेबी जल्दी से बच्चे वगैरह पैदा करो यार, क्योंकि तुम्हारे जैसे और टर्टल्स की हमको ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जू के अंदर आ सके। और अब एक बार एनिमल ट्रेडिंग में देखते हैं कि हमको एक और टर्टल अभी मिलेगा मेल। यार प्लीज़ यार थोड़ा सा प्राइस कम होना चाहिए यार, 1000 सारे के सारे 10,000 क्रेडिट्स में ही मिल रहे, तो इतना ही टर्टल्स आई थिंक अभी हमको मिलेंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो हम नहीं लेके आ सकते। भाई ये हर बार पॉटी क्यों करता है? वीडियो की शुरुआत में भी उसने पॉटी करा, अभी भी पॉटी कर रहा है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे, ओ भाई थोड़ा सा खाना गंदा हो रखा है, वेट को मुझे यहाँ पे जल्दी बुलाना पड़ेगा। भूख तो नहीं लगी ना इनको? भूख तो नहीं लगी, वैसे स्पेस का थोड़ा सा इशू है बट चलता है। ओ वेट भाई, इस बार काफ़ी सारे बड़े वुल्फ हो गए देखो, 1-2। और अगर इनको रिलीज्ड वाइल्ड किया तो कितने क्रेडिट्स मिलते हैं? कुछ कम ही मिलते हैं यार, मुझे लगा ज़्यादा मिलेंगे। और कितने वुल्फ है यहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा वुल्फ, वो एक यहाँ पे सो रहा है। या इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो वुल्फ का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे लिए, मतलब अच्छा ही है। और जो हमारे लायंस थे उनका क्या सीन चल रहा है? लास्ट टाइम यहाँ पे ना एक वाइट कलर का लायन आया था। वो एक छोटा सा और बच्चा आ गया यहाँ पे, खेल रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और वो वाइट लायन, हाँ गाइस मैं इसकी बात कर रहा था, देखो ये वाइट लायन, मतलब ये भी वाइट लायन है और ये इनका बच्चा है और ये बड़ा मेल वाइट लायन है। वाओ ये भाई कितना सही लगता है मतलब दिखने में। तो दूसरा वाइट लायन किधर है? मतलब एक मे बी उसकी मदर भी वाइट कलर की, हाँ हाँ, तो ये आई थिंक उन्हीं का बच्चा ही है। हाँ, और इसके पॉइंट्स कितने हैं इसको? वो 900 क्रेडिट्स मिले इसको अपील यहाँ पे। तो अगर इसको हमने यहाँ से रिलीज्ड वाइल्ड किया ना बड़े वाइट टाइगर को, तो काफ़ी सारे कंजर्वेशन क्रेडिट्स मिलेंगे। क्योंकि देखो अगर इसको रिलीज्ड वाइल्ड किया तो 1000 तो मिलेंगे या 900 तो मिल रहे हैं। तो यही होता है जब हम अच्छे क्वालिटी के यू नो लायन को रिलीज्ड वाइल्ड करते हैं या बेचते हैं, अगर इसको बेचा भी तो भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो भी हमारे जू में काफ़ी अच्छे खासे वाइट टाइगर्स आ गए, इनकी अपील भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखने के लिए आएंगे। एंड एक और लायन यहाँ पे है, अरे भाई तो इन्होंने काफ़ी सारे बच्चे पैदा करे। इसका कितना यहाँ पे अपील है? 8000 अपील है। तो या ये भी लाइन जब बड़े हो जाएंगे इनको हम इनको बेचेंगे और काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो आज के इस प्लैनेट जू के वीडियो में बस इतना ही, इनफ है आई थिंक। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी, आज हमने प्यारा सा टर्टल का हैबिटेट बनाया। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं थोड़े से और टर्टल को लेकर आने की कोशिश करूंगा अच्छे क्वालिटी के। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।